الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق وبالقاسم أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم له ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون اکمال دین و اتمام نعمت کے عنوان پر یہ ہماری چھٹی تقریر ہے اور ہم اپنی فکر سے مسلسل ہیں. کل کی تقریر میں جن امور کی طرف سرسری اشارہ کیا گیا تھا آج اس کی تفصیل مطلوب ہے اور یہ بھی کہ ہم آہستہ آہستہ اپنی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں اس لیے بعض اور اہم امور جو ہمارے مبحث سے متعلق ہیں ان کو آپ کے حافظے کے سپرد کیا جائے گا. پہلے ایک بات یاد رکھیے, حلال مشکلات مولا کائنات اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ کا ایک فرمان ہے, اور وہ فرمان یہ ہے کہ ان ہاذہ القلوب تمل کما تمل الابدان فابتغوا لها طرائف الحکم. ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح کام کی شدت سے انسانوں کے جسم تھک جاتے ہیں, اسی طرح سے انسانوں کے دلوں میں بھی خستگی پیدا ہو جاتی ہے, انسان کے دل بھی تھک جاتے ہیں. ارشاد ہوتا ہے کہ اگر دلوں کو تھکا ہوا محسوس کرو اور یہ محسوس کرو کہ یہ دل تھک رہا ہے تو اس کے سامنے حکمت کی باتیں بیان کرو تاکہ نور حکمت سے دل میں قوت آ جائے. فابتغوا لها طرائف الحکم, یہ ایک عجیب نسخہ ہے, اس کو تنہائی میں, انجمن میں, خلوت میں, محفل میں, ہر جگہ آزمایا جا سکتا ہے کہ اگر دلوں پر خستگی معلوم ہو, اگر دل تھکا ہوا محسوس ہو تو اس دل کے سامنے حکمت کی باتیں بیان کیجئے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ
में खस्तगी है, इसलिए कि अगर बोलने वाला अपने में खस्तगी को नहीं महसूस कर रहा है तो जाहिर है सुनने वाले कभी ये नहीं कह सकते कि हम थक गए, ये आप नहीं कहेंगे। फिर भी एहतियात का तकाजा ये है कि मैं अपनी छठी तकरीर में बाज़ उमूर को सामने रख के गुफ्तगू को इस तरह से शुरू करूं कि हिकमत की बातें अगर बयान करना ही जरूरी है दिलों के सामने तो मैं सुकरात से हिकमत क्यों लूं, अफलातून की बातें क्यों सुनाऊं, मैं अरस्तु अबू अली सीना की गुफ्तगू क्यों करूं, मैं कांट नेचे हीगल शोपनहावर और बर्कले का क्या तस्करा करूं। इसलिए कि फलसफा जहां तक जाएगा उसकी बुनियाद शक पर होगी, फलसफे की बुनियाद तशकीक पर है। यही वजह है कि एक फलसफी ने अपनी कुछ बातों को बयान किया, दूसरे फलसफी ने शक किया राह निकाली, तीसरे फलसफी ने फिर शक किया एक और राह निकाली। यही वजह है कि उमूमन फलसफा पढ़ने वाले जब फलसफे में गर्क होने लगते हैं तो तशकीक की नजर हो जाते हैं। मैंने बड़े एहतियात से इस जुमले को अदा करने की कोशिश की है, तशकीक की नजर हो जाते हैं, इसलिए कि उन्होंने फलसफे यूनान को देखा, उन्होंने फलसफे मगरिब को देखा, मगर सही माना में उन्होंने हुकमाए इलाही से हिकमत की बातें नहीं सीखी, इलाही हकीमों से हिकमत को हासिल नहीं किया, इलाही हकीमों से हिकमत को हासिल नहीं किया। अब चूंकि ये लाजिम है कि आपके दिलों की सेहत और कुव्वत का ख्याल करते हुए हिकमत की कुछ बातें इन दिलों पर अर्ज की जाएं, इसलिए मैं आज की गुफ्तगू को इस जुमले से शुरू करता हूं। इरशाद फरमाते हैं, मन जालल मेरा दीनहु, हम दीन पे गुफ्तगू कर रहे हैं ना, मन जालल मेरा दीनहु फलम युस्बह लैलहु, जो अपने दीन की बुनियाद सुनी सुनाई बातों पर रखे उसकी रात में फिर सुबह नहीं। ये अल्फाज देखिए, ये हकीमाना इरशाद देखिए, ये मेरे मौला का कलाम, मन जालल मेरा दीन हूं, जो सुनी सुनाई बातों को दीन बनाए, सुनी सुनाई बातों को दीन बनाए उसकी रात में फिर सुबह नहीं, फिर अंधेरा ही अंधेरा है। और फिर फरमाया, मन दखला फिद्दीन बिकिताबिल्लाही व सुन्नत रसूले, जो दीन में दाखिल हुआ अल्लाह की किताब से और रसूल की सुन्नत से, जा फरमाते तजूल जिबाल फलम यजल, पहाड़ हट जाएंगे मगर वो अपनी जगह से नहीं हटेगा। वो मन दखला फिद्दीन बे अफवाहिर रिजाल, और जो दीन में दाखिल हो फकत इंसानों की सुनी सुनाई बातों पर, रद्दतुर रिजाल, फिर उसको इंसान सुनी सुनाई बातों ही से वापस भी लेके जाएंगे। अजीब गुफ्तगू, जो किताबे खुदा और सुन्नते रसूल से दीन में दाखिल हो पहाड़ टल जाएं मगर वो अपनी जगह से नहीं टलेगा, और जो इंसानों की सुनी सुनाई बातों पर अमल करके दीन में दाखिल हो उसको फिर इंसान ही बहका ले जाएंगे, वापस ले जाएंगे। आपने महसूस किया, अगर दीन में रहना है, अगर दीन में रहना है तो उसके शरायत, छठी तकरीर है, जाहिर है कि दिमाग का कुछ बार होगा और उस बार को बर्दाश्त करना भी है, बहुत सी चीजों को याद रखना भी है, यह दरसगाह है, इस दरसगाह से बहुत सी बातों को आपको ले जाना भी है। अर्ज किया जा चुका
کہ من لا عقل له لا دین له, جہاں عقل نہیں ہے دین نہیں. اب کہا جا رہا ہے کہ امام صادق فرماتے ہیں هل الدین الا الحب, کیا کوئی دین ہے سوا محبت کے؟ هل الدین الا الحب وهل الحب الا الدین, کیا کوئی دین ہے سوا محبت کے؟ کیا کوئی محبت ہے سوا دین کے؟ تو اب دین ادھر عقل ہے, دین ادھر محبت ہے. تو اب دین ہمارا دین عقل و محبت ہے, ہمارا دین اب دین عقل و محبت ہے. جہاں عقل نہیں دین نہیں, جہاں محبت نہیں دین نہیں, جہاں محبت نہیں دین نہیں. آئیے عقل, عقل کیسے آئے, عقل کیسے آئے؟ ارشاد ہوا قرآن مجید کے متعلق میں گفتگو کر رہا تھا کل کہ 49 مقام پر قرآن میں تعقل کا حکم ہے, اور اسی میں ایک آیت یہ ہے وما یعقلها الا العالمون, تعقل نہیں کرتے مگر عالم, یعنی عقل بغیر علم نہیں ہے. عقل کے لیے علم چاہیے, یہ کالج کی سندیں نہیں, کالج کی سندیں نہیں, عقل کے لیے علم چاہیے. علم کی تعریف ہوگی بعد میں, عقل کے لیے علم چاہیے. من لا عقل له لا دین له, جس کے پاس عقل نہیں ہے دین نہیں ہے. وما یعقلها الا العالمون, اور تعقل نہیں کرتے مگر علماء. اور محبت, محبت کی بنیاد شک پر نہیں ہوتی, محبت کی بنیاد شک پر نہیں ہوتی. اس لیے جہاں یقین نہیں محبت نہیں. جہاں یقین نہیں محبت نہیں, یہ تجربہ کر کے دیکھیے. جو تشکیک میں مبتلا ہے وہ محبت نہیں کر سکتا. یہ نہیں کہ آل محمد سے محبت نہیں ہے, نہیں, اس کو اپنے پیشواؤں سے بھی محبت نہیں ہے. میرے جملوں کو یاد کیجئے, اس کو خدا کی قسم دے کے پوچھی کہ کس کس سے تجھ کو محبت, تو وہ کہے گا دین میں محبت کا کیا کام ہے؟ دین تو فقط نماز چاہتا ہے, روزہ چاہتا ہے, دین زکات چاہتا ہے, دین حج چاہتا ہے, دین جہاد چاہتا ہے, محبت کے کیا معنی ہے؟ آپ نے دیکھا, دیکھا یقین نہیں ہے, کسی کی ذات پر یقین نہیں ہے, ہر ایک میں شک ہے, ہر ایک میں شک ہے, شک ہے محبت نہیں ہے. اس لیے بنیاد عقل علم, بنیاد محبت یقین. علم و یقین ایک جگہ ہو تو دین, سبحان اللہ سبحان اللہ, علم و یقین ایک جگہ ہو تو دین. تو میں نے کل عرض کیا تھا کہ تعقل کا ذکر قرآن میں 49 مقام پر ہے, علم کا ذکر قرآن میں 510 مقام پر ہے. 510 مقام پر علم کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے, اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی جاہل رہے, اس کے باوجود اگر کوئی جاہل رہے اور یہ سمجھے کہ میں قرآن کے حکم پہ چل رہا ہوں, تو کس قدر انوکھی بات ہوگی. مسلسل قرآن ذکر کر رہا ہوں اور پھر یہاں تک سختی ہے, لا یملک الذین یدعون من دونہ شفاعتا, شفاعت کا کوئی مالک نہیں ہوتا سوائے اس کے, الا من شہد بالحق وہم یعلمون, مگر ہی کہ کوئی حق کی شہادت دے اور وہ علم رکھتا ہو. اس آیت سے علماء نے استنباط کیا کہ شہادت حق کے لیے علم کی ضرورت ہے. کسی قانون دان سے پوچھئے کہ شہادت بغیر علم کہیں ثابت بھی ہے؟ علم ہی نہیں ہے شہادت کیا, آپ کیسے گواہی دیتے ہیں؟ تو یہ
42 करोड़ दुनिया के इंसान जो कह रहे हैं अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह, क्या इस शहादत में इल्म है? शहादत बगैर इल्म नहीं है, यानी तौहीद की शहादत के लिए इल्म चाहिए, रिसालत की शहादत के लिए इल्म चाहिए। आयत आप बार बार सुन चुके, शहद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु वल मलाइकतु व उलुल इल्म कायमन बिल क़िस्त, खुदा गवाही देता है कि वो एक है, मलाइका गवाही देते हैं कि वो एक है, और साहिबान इल्म जो आदल पे कायम है वो गवाही देते हैं कि खुदा एक है। अगर इल्म नहीं है शहादत नहीं है। अब कोई हजार मरतबा सुबह से शाम तक गवाही देता फिरे, इल्म नहीं है, इल्म नहीं है, तो पता चला कि जहां इल्म नहीं है शहादत नहीं है। क्यों? इसलिए कि इल्म बुनियाद मारिफत है, अक्ल बगैर इल्म नहीं, इल्म बुनियाद मारिफत है। और मारिफत का लाजमी नतीजा, ये कल की गुफ्तगू, ये कल की गुफ्तगू थी कि जब एक मर्तबा निगाह पड़ी उस इंसान पर कि जिसको जाहिलियत ने कभी मस नहीं किया, ना असलाब में, ना अरहाम में, ना आबा में, ना अजदाद में, तो दिल जज्ब हुआ और मोहब्बत पैदा हुई। हम इस मंजिल पर कल गुफ्तगू कर रहे थे, तो बेकार गुफ्तगू नहीं थी, गुफ्तगू इसीलिए थी कि हल दीन इल्लल हुब, क्या कोई दीन है सिवा मोहब्बत के, क्या कोई दीन है सिवा मोहब्बत के? और मोहब्बत नामुमकिन जब तक के यकीन न हो, जब तक के यकीन न हो। और यकीन कैसे हासिल हो, यकीन कैसे हासिल हो? यकीन उसी वक्त इंसान को मयसर आता है जबकि जिसकी बारगाह में पहुंचना है उसको हर कोताही से दूर देखकर, हर बुराई से पाक जानकर एक मर्तबा दिल ने तस्लीम कर लिया कि बस यही है और कोई नहीं, तो फिर उसमें शक ना आए, रैब ना आए, रास्ते से इंसान न हटे, चलते हुए न भटके। नहीं, फकत यही नहीं, इरशाद फरमाया कि शक के लिए सबसे बड़ी बुराई यह है, सबसे बड़ी बुराई यह है कि मशकूक जिंदगी, हर एक की बात पर भरोसा करने की आदी हो जाती है। उसने कहा यह भी सुन लो, उसने कहा यह भी सुन लो, उसने कहा यह भी सुन लो, यह तमीज नहीं पैदा हो सकती कि किसको कबूल करें किसको रद्द करें, किसको कबूल करें किसको रद्द करें, यह तमीज नहीं पैदा हो सकती है। और यकीन का तकाजा यह है कि पहले तमीज हो, पहले तमीज हो। मैं फलसफियाना गुफ्तगू के माहौल तक या उस सतह तक नहीं ले जाना चाहता हूं, मैं सिर्फ यहां यह गुफ्तगू करूंगा कि जहां यकीन पैदा हो जाता है वहां शक नहीं, और जहां इंसान अपने दामन पर शुकूक के दाग देखता है वहां जिंदगी मुतजलजल हो जाती है, इंसान मुतवहिश होता है, वहशत करने लगता है, हैरान होता है, हर एक से भागता है, हर एक से निगाहें बचाता है, सबसे मशकूक है, सब पर शक है, और चलते चलते आगे बढ़ते बढ़ते अपने वजूद पे शक, खालिक में शक, साने में शक, बनाने वाले में शक, शक से आगाज, शक पे अंजाम, नजा का आलम शक में, मौत शक पे वाके हुई, मौत शक पे वाके हुई। और ऐसे में अगर इंसान
یہ اندازہ کرے کہ یہ ابتدا کیسے ہوئی تھی, ابتدا کیسے ہوئی تھی. تو آپ کو پتا چلے گا اس کی ابتدا صرف یہی کہ آپ کے دل میں ایک عقیدہ تھا, کسی نے گفتگو چھیڑ دی عقیدے کے خلاف گفتگو چھیڑ دی. آپ خطرے سے بچنے کے لیے یہ مناسب سمجھ گئے کہ اس سے بچو. میں بڑی عجیب گفتگو کر رہا ہوں, اگر اس حصے کو آپ نے نظر انداز کر دیا تو تقریر کا ایک معتبر حصہ سمجھ میں نہیں آئے گا. دیکھیے ہوتا کیا ہے, آپ کا ایک ایمان ہے, آپ کا ایک عقیدہ ہے, کسی نے اپنے ایک شبہ کو پیش کیا, ڈاؤٹ کو پیش کیا, آپ نے کہا بھائی چھوڑ یہ غلط ہے. خطرے سے بچنا یوں نہیں ہے کہ خطرے کو نظر انداز کرو. خطرے سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ خطرے میں کود پاؤ. ہاں لاؤ شبہ کیا ہے, لاؤ کوشش کرو کہ وہ شبہ دور ہو, نہیں تو اسی شبہ کے ساتھ ساتھ چلو یہاں تک کہ کسی اپنے سے زیادہ عالم کے پاس جاؤ, شبہ کو دور کرو, وہاں سے دور نہیں ہوا کہیں اور جاؤ. اس وقت تک چین نہ لو جب تک کہ شبہ دور نہ ہو جائے. خطرے سے بچنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان نظر انداز کرتا جائے. ہاں بھائی ہاں ٹھیک ہے, آپ بھی جو کہتے ہیں ٹھیک ہے, یہ آپ بھی کے تصور کو چھوڑیے, آپ بھی کے تصور کو چھوڑیے, یا آپ یا میں. زندگی اب یہ ہے کہ یا آپ یا میں. خطرے سے بچنے کی یہ صورت نہیں. میں نے بارہا یگانہ کا یہ شعر پڑھا ہے, گرفتاروں نے ساحل کود پڑتے ڈر نکل جاتا, گرفتاروں نے ساحل کود پڑتے ڈر نکل جاتا, کبھی تو زیست مشکل آزماتی مر گیا سا کو. تو خطرے کو نظر انداز کرنا نہیں ہے, شبہ پیدا کر دیا اس نے نہیں, شبہ کو دور کرنے کی کوشش کیجئے کہ آخر شبہ جو پیدا ہو رہا ہے کس مسئلے میں, یہ آپ کے لیے نہیں ہے, ہر مسلمان کے لیے ہے کہ دیکھیے کسی نے شبہ پیدا کیا تو نظر انداز نہ کیجئے اس کو, اور کیجئے. ممکن ہے آپ کو اپنے عقیدے کو بدلنا پڑے, ممکن ہے کہ آپ کو اپنے نظریے کو پر نظر ثانی کی ضرورت ہو, مگر اس سے بچنا, اس سے بھاگنا, روگردانی کی کوشش کرنا بہت غلط ہے. اور خصوصاً آپ جن کو اس بات کا یقین ہو کہ کسی منزل پر بھی آپ کے مقابل کو چین تو آپ دے ہی نہیں سکتے ہیں علم میں. ایک مثال بتلاؤں آپ کو, کہا رسول نے یہ کہا کہ انبیاء ترکا نہیں چھوڑتے, انبیاء مال دولت نہیں چھوڑتے. بھئی انبیاء کیا چھوڑتے ہیں؟ علماء اسلام نے کہا انبیاء علم چھوڑتے. تو آپ آگے بڑھ گئے, شبہ پیدا کرنے کی کوشش کی کہ حدیث ہے کہ انبیاء مال نہیں چھوڑتے, مگر مان لیا کہ انبیاء علم چھوڑتے ہیں تو زہرا وارث علم ہے کہ نہیں؟ میں نے ایک مثال, زہرا وارث علم ہے کہ نہیں؟ اگر ہے وارث علم تو اپنے علم کے کمال پہ کہہ رہی ہے کہ میرے باپ نے یہ نہیں کہا. یعنی کسی طرف بھی علم وہ منزل ہے جہاں آپ کا مقابل شبہ پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے. وہ کوئی منزل, کسی منزل پر. تو ایک مثال تھی, اس مثال میں بھی چونکہ علم پر گفتگو تھی اس لیے یہ مثال یہاں لا دی. زہرا وارث علم رسول ہے. اور پھر
किसी मंजिल पर शक का पैदा होना। सुभान अल्लाह, इसी मंजिल पर अमीरुल मोमिनीन खड़े हो और कहा, क्या कहते हो कि अगर जिस तरह से तुमने गवाहियां तलब की, अगर मिल्लत में से चार गवाहियां मिल जाएं और जहरा के मुताल्लिक किसी ऐसे अमर में गवाही दें जो खिलाफ दीन हो, खिलाफ इस्लाम हो, खिलाफ शरा हो, तो जवाब हुकूमत ने दिया कि हम हद जारी करेंगे। अगर गवाह मिल जाए तो हम हद जारी करेंगे। तो अमीरुल मोमिनीन ने जवाब दिया कि तुम हद जारी करते ही दीन से खारिज हो जाओगे। तुम हद जारी करते ही दीन से खारिज हो जाओगे। कहा कैसे? का चार गवाह नहीं, अगर पूरी मिल्लत जहरा के खिलाफ किसी बात पर गवाही दे तो वो एक तरफ आए तथीर एक तरफ। तो आपने देखा कि मकाम इल्म बड़ा अहम है, उसकी अजमत मुसल्लम। अकल बगैर इल्म नहीं है, मोहब्बत बगैर यकीन नहीं है। यकीन को हासिल करने का तरीका शुबहात से भागना नहीं है। गुफ्तगू समझ रहे हैं? खतरे से दूर जाना नहीं है, नजरअंदाज करना नहीं है, खतरे कूद पड़ना, शुबहात को तलब करना है। लाओ शुबहात को, लाओ, हम देखना चाहते हैं कहां है शुबहात। और अल्लाह अल्लाह, ये तो वो मंजिल है दीन और दियानत की कि जहां बास फिरके इस्लामी तो इस बात पे मुसर है कि क्यों साहब ये क्यों किया। कहा यह हमारा शार है, हमारा शार, यानी हमारा शार कह के दुनिया अपने अमल की हिफाजत करना चाहे और हम अपने यकीन पर यह न कह सके कि यह मोहम्मद अरबी का अमल है। दुनिया इस्तेहसान से काम ले, कियास से काम ले, अपनी राय से काम ले और हम मासूम के इरशादात को पेश करें तो इसके बाद भी यकीन नहीं आता। इसलिए यकीन जाने मोहब्बत, इल्म जाने आप। अब इल्म और यकीन जहां जमा हो जाए, इल्म और यकीन जहां जमा हो जाए, मुहद्दीन मदारिज कमाल पर जाता है, मदारिज कमाल पर जाता है और उन मनाजिल पे पहुंचता है कि जिन पर हम अब आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू करना चाहते हैं। सबसे पहले एक बात याद रखिए, यकीन की मंजिल ऐसी हो, ऐसी हो इसलिए कि किसी ऐसे वैसे घराने को मुंतखब नहीं किया है। मेरे लफ्जों पर ख्याल कीजिए, कोई राह चलते हुए किसी काफिले को नहीं पकड़ा है कि ठहरो ठहरो हमको जरूरत है, तुम हमको राह बतलाओ। नहीं, उस काफिले को लिया है जो आदम से चला है, क़यादत की मंजिलों से आशना होते हुए, और उस घराने को इख्तियार किया है कि जिस घराने में अंबिया है, औलिया है, औसिया है, घराना वो, काफिला वो। और फिर उस शख्स को लिया है मोहब्बत के लिए जिसको खुदा और रसूल मोहब्बत करे, जो खुदा और रसूल से मोहब्बत करे। तो अब फिक्र काहे की है? अब शक, अब शक कैसे हो? मेरे मौला फरमाते हैं अपनी मोहब्बत की मंजिल पर, लव जरबतु खैसुम अल मोमिन बिसैफी हाजा अला अन युबगिज़नी
فما ابغضنی, اگر میں اس ذوالفقار سے مومن کے سر پر, اس کی ناک پر, اس کے دماغ پر ضرب کاری لگاؤں یہ کہہ کر کہ تو میرے دشمن ہو جا, وہ دشمن نہیں ہوگا میرا. کتنا ناز ہے علی کو آپ پر, کتنا ناز ہے علی کو اپنے دوستوں پر. لو ضربت خیثوم المؤمن بسیفی ہذا, اس تلوار سے اگر میں مومن کے دماغ پہ ماروں یہ کہہ کے الا ان یبغضنی کہ تو مجھے دشمن رکھ. ایسا بھی انسان ہے کہ وہ بدترین دشمن ہے, اذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل, اگر اس کو موقع مل جائے حکومت کا تو زمین میں فساد کرے, نسل کو بھی برباد کرے, کھیتیوں کو بھی برباد کرے. اللہ فساد کو دوست نہیں رکھتا. دیکھا آپ نے, انسان سے انسان تک, انسانوں میں وہ انسان بھی ہے کہ اگر حکومت ملے تو نسل کو تباہ کر دے. وَلَوْ سَبَبْتُ الدُّنْيَا بِجَمَّتِهَا عَلَى مُنَافِقٍ, اور اگر ساری دنیا کو اس کے خزانوں کے ساتھ منافق پہ ڈال دوں, عَلَى عَنْ يُحِبَّنِ لَا حَبَّنِ. نَارَ حَبَّنِ, اور اگر منافق کو ساری دنیا دے ڈال دوں, اس کے خزانے دے رہا کہ مجھے دوست رکھ, وہ دوست نہیں رکھے گا. علی مولا آپ کے غلاموں کے لیے بھی یہی ہے. آپ کے غلاموں کے لیے بھی یہی ہے. سلمان, مقداد, بزر, عمار, کیا کیا باتیں یاد آتی ہیں. کل میں اپنی تقریر کے دوران میں عقل کی تعریف کر رہا تھا اور میں ایک عجیب جملہ میری زبان سے نکل گیا. صراحت چاہتا تھا مگر وقت نے ساتھ نہیں دیا. عقل کی تعریف امام علی نقی صلوات اللہ وسلامہ. ایک شخص ہے ہمارے پاس ابن سکیت, سین مکسور کاف مشدد, ابن سکیت, اس کی کنیت ہے ابو اسحاق. اس کا پورا نام ہے اسحاق ابن یعقوب. یہ حاضر ہوتا ہے خدمت باسعادت امام علی نقی صلوات اللہ علیہ وسلم. اصول کافی میں یہی لکھا ہوگا کہ ان ابی الحسن, تو اس سے ابو الحسن ثالث مراد ہے, اس لیے کہ ابن سکیت کا زمانہ امام علی نقی کا زمانہ ہے, امام دہم کا زمانہ. عرض کی, فرزند رسول, آپ عبد میں اور معبود میں حجت کیا ہے؟ عبد میں اور معبود میں حجت کیا ہے؟ فرمایا عقل. یہ وہ حکیمانہ باتیں ہیں جس سے دل کو قوت ملتی. عبد اور معبود میں حجت کیا ہے؟ فرمایا عقل. کہ عقل کی تعریف کیجئے, وہ تعریف کل گزر چکی. بہی, فرمایا بہی, یعرف الصادق علی اللہ فیصدقہ ویعرف الکاذب علی اللہ فیکذبہ. عقل سے پہچانا جاتا ہے کہ اللہ پر سچ کون بول رہا ہے, اور عقل اس کی تصدیق کرتی ہے. عقل سے پہچانا جاتا ہے کہ اللہ سے منسوب کر کے جھوٹ کون بول رہا ہے, اور عقل اس کی تکذیب کرتی ہے. ابن سکیت نے کہا واللہ ہاذا ہو الجواب,
इब्न सिक्कीत कौन है? इमाम उल मंतिक है, इमाम फलसफा है, इमाम उस सर्फ है। उसकी मशहूर किताब इस्लाह मंतिक है, उसकी मशहूर किताब तहजीब उन नफ्स है। मुख्तलिफ किताबों का लिखने वाला है, इमाम की खिदमत में हाजिर है, बहुत ज़ईफ है, कबीर उस सिन है। कहता वल्लाही हाजा हुवल जवाब, मौला अल्लाह की कसम जवाब यही है। कौन है? इब्न सिक्कीत इसहाक इब्न याकूब। मैंने किस सिलसिले में यह गुफ्तगू छेड़ दी थी? मेरे मौला फरमाते हैं कि अगर इस तलवार से मोमिन के सर पे मारूं कि वो दुश्मन रख मुझे, वो दुश्मन नहीं रखेगा। यह इब्न सिक्कीत मुतवक्किल के दो बच्चों का उस्ताद है, मोहतज और मुअय्यद। एक बच्चे का नाम है मोहतज, एक बच्चे का नाम है मुअय्यद। दो बच्चे। एक रोज वो खुशी के आलम में मुतवक्किल बाहर आए, कहा इब्न सिक्कीत मेरे बच्चों को पढ़ाते हो? कहा हां अय अमीर पढ़ाता हूं। कहा कितने प्यारे बच्चे हैं मेरे? इब्न सिक्कीत ने कहा, कहा इब्न सिक्कीत बतलाओ मेरे बच्चे तुमको ज्यादा महबूब हैं या हसन और हुसैन? मुतवक्किल जिसने कब्र हुसैन को खोद दिया है, मुतवक्किल के जिसने सादात से वो दुश्मनी की कि तारीख में यादगार रहे। इब्न सिक्कीत तुम किससे मोहब्बत करोगे? मोहतज और मुअय्यद से या हसन हुसैन? उसने कहा अमीर वो जो अली का गुलाम है कंबर, मुझे वो ज्यादा महबूब है तुझसे, तेरे दोनों बच्चों से। मौला फरमाते अगर मैं तलवार से मारूं, नहीं मौला अगर तेरा दुश्मन जिसका रौब और जिसके दाब से दुनिया इस्तेदाद कांप रही हो, मौला अगर वो भी आजमाए तेरे दोस्त को। इब्न सिक्कीत ने कहा वो जो अली का गुलाम है नकंबर, वो मुझे तुझसे और तेरे दोनों बच्चों से ज्यादा महबूब। आवाज दे मेरे तुर्क गुलाम कहां है? 100 तुर्क गुलाम बाहर आए। का इसको लिटा के इसको राउंड डाल, तुर्की गुलामों ने राउंडना शुरू किया इब्न सिक्कीत को। मालूम है रजब की 5वीं तारीख थी, 244 हिजरी, शाम का वक्त था कि इब्न सिक्कीत को कुचल डाला तुर्की गुलामों ने, और वो कहते थे अली 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 अली। यह इम्तिहान है, यह इम्तिहान। मौला फरमाते मुझे नाज है कि अगर मेरे दोस्त को तलवार के नीचे भी बिठा दूं तो वो दुश्मन नहीं रखेगा, वो दुश्मन नहीं रखेगा। गुफ्तगु खत्म नहीं हुई, यह जुमला खत्म होना चाहिए। वजाओ ले कजाओ ले का युजा, और यही कजा है इलाही कि मेरा दोस्त मेरी दुश्मनी पर आमादा नहीं होगा, मेरा दुश्मन मेरी दोस्ती को कबूल नहीं करेगा। वह कजाओ ले का युजा, और इसी तरह से फैसला हो चुका। तो कदिन कजा अलाओ लिसाने नबी यही सलवातुल्लाह अलैहि, और यह फैसला जारी हुआ जबान नबी से। फरमाया फरमाया जनाब रिसालत माब के ला युबखिजो का मोमिनुन वला युहिब्बो का मुनाफिक। अय अली मोमिन तुझे दुश्मन नहीं रखेगा, मुनाफिक तुझे दोस्त नहीं रखेगा, और यह फैसला हो चुका, यह फैसला हो चुका। बजाहिर 40 हिजरी में अली उड़ गए, मगर अली रहे, दिमागों में रहे, शऊर में रहे,
निगाहों में रहे, अफकार में रहे, आंखों के सामने रहे, हर दौर में रहे, हर असर में रहे, नस्लों पर मुहित रहे, तारीख को घेरे हुए रहे, जब तक दुनिया रहेगी बस बोग़्ज़े अली और हुब्बे अली एक फर्क हमेशा पैदा करता रहेगा कि ये मोमिन है या मुनाफिक। वो नहीं है सामने, क्यों क्यों फिर वापस क्यों? सिर्फ इसलिए कि एक तरफ यकीन है। अब आप समझ गए, एक तरफ यकीन है, यकीन ऐसा कि इस जैसा कोई और लाओ, इस जैसा कोई और लाओ। जाती गरज है नहीं, दीन, सिर्फ दीन, सिर्फ दीन। कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया इस दीन के सिलसिले में, फकातलू, लड़ो, इतना लड़ो, इतना लड़ो। एक सलावत कारकुना ने इदारा और बानिया ने मजालिस ने मेरे वक्त में से कुछ मिनट ले लिए थे, मैं उनकी इजाजत से आप हजरात से कुछ मिनट और ज्यादा लूंगा। सलावत। कुरान मजीद ने फरमाया वो कातिलू और लड़ो किताल को, हत्ता ला तकून फितनतुन, यहां तक के फितना बैठ जाए, वो यकून दीनो कुल्लहू लिल्लाह, और दीन फकत अल्लाह के लिए हो जाए। यह आयत है, यह आयत, मैं इस आयत का मिज़दाक चाहता हूं। मोहब्बत इसलिए है, देखिए मोहब्बत इसलिए है, आयत कुरान में लड़ो, इतना लड़ो कि दीन अल्लाह के लिए हो जाए। कल मैं आलम दूंगा, मर्द को दूंगा, दर्रार को दूंगा, बार बार हमला करने वाले को दूंगा, वापस नहीं आएगा जब तक के फतह नहीं होगी। खुदा और रसूल उसको उससे मोहब्बत करेंगे, वो खुदा और रसूल से मोहब्बत करेगा। घोड़ा हाजिर हुआ, रिकाब में पांव रखा, अलाम को हाथ में लेके जब पुश्त ज़ैन पर बुलंद हुए तो झुक के रसूल को सलाम किया और कहा कहां तक लड़ूं। सलाम करके पूछा कहां तक लड़ू, कोई है तारीख इस्लाम में या पूछने वाला? मैं क्या कह रहा हूं, किसी ने कहा है तारीख इस्लाम में कहां तक लड़ू? अल्लाह के रसूल से पूछा, जवाब दिया उस वक्त तक लड़ो जब तक के यहूदी पुकार के न कह दे अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। वो कातिलू हत्ता ला तकूना फितना, वो यकून दीन कुल्लहू लिल्लाह, दीन अल्लाह के लिए हो जाए। लौटे इसलिए नहीं आए कि फकत मरहब को कत्ल करके वापस आ जाएं और खिराज तहसीन लें और अपना माल गनीमत लेके घर चले जाएं। मकसद कुछ और है, मकसद यही नहीं है कि पहलवानों को जेर करें, मकसद यह यकून दीन कुल्लहू लिल्लाह मिज़दाक है। देखा मिज़दाक है, तो मरकज मोहब्बत कौन है? वही है, वही है जिस पर यकीन हो, और उसी पर यकीन होगा, उसी पर यकीन होगा जो ये कहे कि लव कुशफल गिताउ लमद्दत तो यकीना, अगर मेरे सामने से सारे हिजाब हटा दिए जाए तो मेरा यकीन जिस मकाम पर है वहां से आगे नहीं बढ़ता। भाई जिसको अब
अपनी जात पे यकीन हो उसकी जात पर हमको यकीन है, जो खुद अपनी जात में मशकूक हो आप में से मैं किसी पर यकीन कर लूं, खुद आपको अपनी जात में शक हो, आप भी गए मैं भी गया, आप समझ रहे हैं, एक आम मसला है। मैं माजी से गुफ्तगु नहीं कर रहा हूं, हाल से गुफ्तगु करता हूं। कैसे मान लें किसी को आज जिसको खुद अपनी जात में शक, मैं हूं कि नहीं हूं, डुबोया मुझको होने ने। अब इन शकूक के साथ कैसे किसी को तस्लीम कर लिया जाए, यकीन उसे की जात से वाबस्ता है जिसको खुद अपनी जात पर यकीन हो, और इतना यकीन कि अगर पर्दे हटा दिए जाए, लव कुशफल गिता, अगर सारे पर्दे हटा दिए जाए तो जो यकीन मेरा है वहां से आगे नहीं बढ़ेगा, फमजदत तो यकीन आ, उसमें इजाफे की जरूरत नहीं है, इसलिए कि वो यकीन माह शबे चार दोहम बना हुआ है, अपने उरूज पे है, अपने कमाल पे है। मैंने कभी किसी मकाम पर हजरत सैयद अली शूस्तरी आलल्लाह मकामा का एक शेर पढ़ा था, ये खानदान मरअश से हैं और शहीद सालिस आलल्लाह मकामहू से इनके इनकी रिश्तेदारी है। अमीरुल मोमिनीन की शान में कसीदा कह रहे थे, कसीदा कहते कहते उन्होंने एक शेर कहा, अच्छा है याद रखिए, आप याद रखें, बच्चे याद रखें, ख्वातीन याद रखें, इल्म के एतबार से सबको बराबर का शरीक होना चाहिए, ख्वातीन को सबसे ज्यादा, इसलिए कि उनकी गोद गहवारा है आने वाली नस्ल का, बड़े इल्म की जरूरत है उनको, बड़े इल्म की जरूरत है, बड़े गौर और फिक्र की जरूरत है, खुसूसन इस दौर में जो दौर चैलेंज कर रहा है, इसलिए याद रखिए। वो एक फिक्र पेश करते हैं, वो ये कहते हैं कि खत्मी मर्तबत ने कहा मारफना का हक्का मारे फतेह, नहीं पहचाना तुझको जो हक पहचानने का था, और अली ने कहा लव कुशफल गिताउ लमा तक तो यकीन, अगर पर्दे हटा दिए जाए तो जो यकीन मेरा है वहां से आगे नहीं बढ़ेगा। तो दोनों को समझाना चाहते हैं तो उन्होंने कहा अहमद बेमा अरफ तो अली गुफ्त लव कुशफ, मारफना का हक हमारे फतेह, अहमद मारफ्तो अली गुफ्त लाओ कुशिफ, क्यों मुश्किल नुमा मोहम्मद हो मुश्किल कुशा अली, अहमद बेमा अरफ्तो अली गुफ्त लाओ कुशिफ मुश्किल नुमा मोहम्मद मुश्किल कुशा अली। इसको और समझने के लिए सिर्फ एक जुमला हकीमाना याद रखिए, नबुव्वत वाज़े हिजाब है, नबुव्वत वाज़े हिजाब है, विलायत रफ़े हिजाब है, नबुव्वत वाज़े हिजाब, विलायत रफ़े हिजाब है, नबुव्वत तंजील है, विलायत तावील है, नबुव्वत मुदारात है, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, विलायत इम्तिहान है कि नमाज पढ़ी तो पढ़ी, बताओ दिल में मोहब्बत है कि नहीं, आपने देखा कि अब हम इल्म और यकीन से दीन तक पहुंचना चाहते हैं, दीन नहीं है अगर अकल नहीं, अकल नहीं है अगर इल्म नहीं, दीन नहीं है अगर मोहब्बत नहीं,
मोहब्बत नहीं है अगर यकीन नहीं। इल्म और यकीन के साथ आगे बढ़ना है जहां ये दो जमा हो जाए, इल्म और यकीन। और फिर इल्म, तलबुल इल्म फरीजतोन, फरीजा है मुस्लिम मर्द के लिए, मुस्लिम औरत के लिए, मुस्लिम बच्चे के लिए फरीजा है। इल्म फरीजा है, फरीजा है, वाजिब किफाई नहीं है कि नमाज जनाजा नहीं है। किसी ने पढ़ लिया किसी से साकित, वाजिब आईनी है। सब पढ़े, सब जाने, सब समझे, और इस इल्म को वाजिब आईनी करके अपने जिक्र को आम कर दिया और कहा कि यह जिक्र की मजलिसें हैं, यहां इल्म मिलता है। उसूल इल्म के लिए बेचैन रहो, हासिल करो, हासिल करो, अपनी इस्तेदाद और काबिलियत को बढ़ाओ, अपनी मोहब्बत को यकीन की मंजिल तक पहुंचा दो। और उस यकीन के आलम में जब नजर पड़ेगी हर एक पर, तो पता चलेगा जिन जिन को जिन जिन मकामात से चुन लिया है हमने, नहीं लावल्लाह नहीं, लावल्लाह नहीं, हमने तो सिर्फ देखा है चुनते हुए अपने माबूद को, अपने माबूद को देखा है कि कैसे साफ किया, कैसे इस्तफा का अमल हुआ, कैसे तथहीर का अमल हुआ। आदम को खल्क करके पहले थोड़ा सा इल्म दिया, वो अल्लम आदम अलस्मा कुल्ला, और आदम से खातम तक पहुंचा के खातम को तौफीक दी आवाज़ो अल्लाह मदीना तुल इल्म। ये इकमाल दीन है, दीन कामिल हो रहा है, दीन बगैर इल्म नहीं है, दीन शुरू होता है आदम से। वो अल्लाह आदम अलस्मा कुल्ला, और खत्म किया अल्लाह मदीना तुल इल्म, नहीं कहा अल्लाह मदीना तुल हया, नहीं कहा अना मदीनतुल महब्बा, नहीं फरमाया अना मदीनतुल यकीन। इसलिए कि हया, वफा, यकीन और सिफात ये मेजरेबल नहीं है। मेजरेबल आप समझ रहे, यानी इनको नापा नहीं जा सकता, कितनी हया, कितना यकीन, कितनी वफा, नापा नहीं जा सकता। सिफात दूसरे मेजरेबल नहीं है, इल्म मेजरेबल है, इल्म को नापा जाता है। इतना इल्म, कितना इल्म, कितना इल्म, इतना इल्म सलूनी, आप देख इसका जवाब नहीं है। इतना इल्म मेजरेबल है, पूछ के देखो, सवाल करके देखो, अंदाजा करना चाहते हो सवाल करो। अना मदीनतुल इल्म उन्होंने कहा, सलूनी मैं कह रहा हूं। दरमियान के हिस्से को मैं जिक्र में लाना नहीं चाहता, उन्होंने कहा अना मदीनतुल इल्म, मैं आवाज दे रहा हूं सलूनी, सलूनी। और यह आवाज कूफे की हद तक नहीं है, कयामत तक सलूनी। तो आपने देखा ऐसों को चुन लिया माबूद ने, ऐसों को पसंद किया, ऐसों को मुस्तफा किया। बच्चों में ऐसे बच्चे, मर्दों में ऐसे मर्द, औरतों में ऐसी औरत, कोई मिसाल नहीं, कोई नजीर नहीं। दिल कितना बेकाबू हो जाता है, और कैसे वज्द की कैफियत में बोलने वाले के जुमले जबान से निकलते हैं जब यह महसूस होता है कि औरतों में सारी कायनात में चुना तो एक को। लाओ ना मिसाल, लाओ ना मिसाल, कौन
انسان مزرعه تسلیم را حاصل بطول, تسلیم کی کھیتی کا حاصل ہے اقبال, مزرعه تسلیم را حاصل بطول, مادران را اسوہ کامل بطول. یہ مجسم نمونہ کامل نمونہ زہرا کا, اور وہ مقام ادب, وہ مقام ادب کہ جہاں بے اختیار اس کی زبان سے یہ نکلے کہ پاسے آئینے جناب مصطفیٰ, رشتہ آئین حق زنجیر پاس, مصطفیٰ کا دین روکتا ہے, آئین حق روکتا ہے, ورنہ گرد تربتش گردی دمی, ورنہ زہرا کی قبر کے اطراف پھرتا, اور مسلمان ہوشیار ہوں, سجدہ برخا کے اوپ پاشی دمی زہرا کی قبر پہ میں سجدے کرتا, سجدہ برخا کے اوپ پاشی دمی زہرا, زہرا بزعت الرسول, زہرا حواء عالم عقلی, زہرا صورت نفس کلی, زہرا فقر حوا و آسیہ, زہرا رشک مریم و صفورا, زہرا حسن حسین کی ماں, زہرا ام الائمہ, زہرا غیرت الہی, زہرا صابرہ, زہرا ام المصائب, زہرا وہ بی بی جس کو بچپن سے لے کے مرتے دم تک چین نہیں ملا, کتنی باتیں کرتے ہیں ہم, کس کس کی دولت کا تذکرہ کرتے ہیں ہم, کس کس کے مال اور املاک کو اسلام پر فدا ہوتے ہوئے دیکھ کر وجد کرتے ہیں ہم, کبھی ختیجہ کا بھی ذکر کیا, وہ عورت عرب کی کہ جس کے پاس بڑے بڑے اغنیائے عرب گدائی کے لیے گئے اور اس سے قرض لے کر تجارتیں کی, دیکھتے دیکھتے اس کی ساری دولت نظر اسلام ہوئی, کسی نے تذکرہ کیا؟ علماء نے یہی کہا کہ اگر واقعی روایت آ چکی تھی, اور جیسا کہ تم کہتے ہو کہ نبی ورثہ نہیں چھوڑتا, تو کم از کم زہرا کی والدہ گرامی کی دولت کا تو خیال ہوتا, اس احسان کا تو خیال ہوتا کہ اسلام نے اس کی دولت سے پرورش پائی ہے, کچھ دے دو زہرا کو. مگر بھولنے والے بھول گئے, اور زہرا نے بھی یہ کہہ کے وہاں سے حرکت کی کہ اچھا لے جاؤ اس زخمی ناقے کو لے جاؤ, میں بھی ہوں ساتھ, میں بھی ہوں ساتھ, یہ آر بھی رہے قیامت تک. اب چلیں, اب چلیں, پہلے تو باپ کے روزے پہ گئیں, پھر گھر آئیں, پھر حرب وصیت رات کے وقت جنت البقیع میں گئیں, اور پھر وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, برابر جا رہی ہیں ہر قافلے کے ساتھ, ہر مجلس میں ہے, ہر عالم کے پیچھے ہے,
28 रजब को जब काफिला मदीने से चला तो कुछ दूर यह काफिला चलने नहीं पाया था कि किसी खिदमतकार ने फरजंदे रसूल से अर्ज किया कि सानिया जहरा याद कर रही हुसैन बड़े भाई हैं मगर जैनब का बड़ा ख्याल है। सवारी को मोड़ के वापस आए नाके के करीब, कहा बहन तुमने याद किया? कहा हाँ भाई मैंने याद किया। क्या बात है भाई? जैसे जैसे यह काफिला आगे बढ़ रहा है अम्मा के रोने की आवाज है। अम्मा के रोने की आवाज आ रही है, बहुत नजदीक से रोती हैं। अम्मा रो रही, शबे आशूर हुसैन इब्ने अली एक एक खेमे में गए, सबको देखा कि सुबह शहादत की तैयारियां हो रही हैं। उसी तरह से लश्कर की तरफ भी चले गए। रावी बयान करता मैं घबरा गया कि फातिमा का चांद ये फौजों के सियाह बादल की तरफ क्यों जा रहा है। थोड़ी देर के बाद देखा कि एक मकाम नशेब पाए मैं रुका, मगर मैंने जो गौर किया तो देखा किसी बीबी से बातें कर रहा है। और मैं इतनी आवाज सुन सका, अम्मा मैं आ गया। मैं कारवान के गुजरने का तस्करा कर रहा था। जहरा साथ है, मख्तल में रोए, लाशों के पास बैठ के नौहा करे या असीरों के साथ साथ चले, क्या करे जहरा? काफिला चल रहा है, हाकिम की खुशी के लिए नाके तेज दौड़ाए जा रहे हैं। नाकों की तेज रफ्तारी की वजह से छोटे छोटे बच्चे नाकों पर से उछल उछल कर गिर पड़ते हैं। काफिला नहीं रुकता। ऐसे में एक मर्तबा खूनी के हाथ से वो नायजा जिस पर सरे हुसैन था वो छूटा और जमीन में वो नायजा धंस गया। अब न वो नायजा हरकत करता न काफिला आगे बढ़ता है। उसने बड़ी कोशिश की,